आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। पलट के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार का तंज, कहा लव लेटर मिला है। राजस्थान में 32 पुलिस अधिकारियों का तबादला, आलोचनाओं के बीच बदले गए उदयपुर के एसपी और आईजी। सामना में शिवसेना का फडणवीस पर तंज, कहा उन्हें सीएम बनना चाहिए था। शिंदे गुट पर भी भड़के। सिंगल यूज प्लास्टिक आज से बैन, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और स्टिक समेत 19 चीजों पर असर, बनाने या बेचने पर 7 साल कैद। श्रीनगर में लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, 4 पिस्तौल, ग्रेनेड समेत कई विस्फोटक बरामद। लंबी छुट्टी पर जाएंगे डीजीपी भावरा, केंद्रीय डेपुटेशन के लिए लेटर लिख चुके। पंजाब में 6 महीने में 4थी डीजीपी बदले जाएंगे। शिंदे समर्थक विधायकों के डांस का वीडियो वायरल, गोवा में एकनाथ के कैंपेन सॉन्ग पर लगाए ठुमके, कहा हम दिन रात जनता के साथ। कन्हैयालाल के हत्यारे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, सीएम ने की परिवार से मुलाकात, एसएचओ और एसआई सस्पेंड। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों के विधानसभा में घुसने पर लगी रोक, अयोग्यता नोटिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना। वायनाड दौरे के लिए केरल पहुंचे राहुल गांधी, 1 सप्ताह पहले ही उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। महाराष्ट्र में नई सरकार, एकनाथ शिंदे बने सीएम, जेपी नड्डा, अमित शाह ने बनाया तो घंटे भर में पूर्व सीएम ने बदला फैसला। शिंदे की ताजपोशी बगावत के 10 दिन बाद सीएम बने, हाईकमान की अपील पर फडणवीस ने संभाली डिप्टी सीएम की कुर्सी। हेलमेट पहने तो नहीं मरेंगे 5,000 लोग, देश में वाहनों की ओवर स्पीड रोक कर हर साल बचा सकते हैं 20,000 जिंदगियां। भाजपा ने अकाली दल से समर्थन मांगा, राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की अपील, नड्डा ने सुखबीर बादल से बात की। लैंडस्लाइड में धंसा आर्मी कैंप, मणिपुर की टिटोरियल आर्मी के 30 से 40 जवान मिट्टी में दबे, 14 शव निकाले गए। फिरोजाबाद में अनियंत्रित तो होकर पिकअप पलटी, 12 से अधिक लोग हुए घायल, 6 को किया गया आगरा रेफर। प्रयागराज में पर्स लूट के लिए ट्रैक्टर मालिक की हत्या, मिर्जापुर से लौट रहा था घर, मांडा बरौंधा रोड पर हुई वारदात। अमरोहा में घर में सेंध लगाकर चोरी, 6 लाख का नकदी और जेवर लेकर उड़े चोर, सुबह परिजनों को हुई जानकारी। काशी में रथ यात्रा मेले का 232वां वर्ष, भगवान जगन्नाथ ने बहन सुभद्रा और भैया बलभद्र के साथ दिए दर्शन।
प्रयागराज में एक ही परिवार के तीन लोगों की करंट से मौत, खेल खेल में पोल पकड़ने से हुआ हादसा। ललितपुर में महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास, रास्ता खुलवाने का विरोध कर रही थी महिला। जनता दरबार में बुजुर्ग ने लगाई सीएम योगी से गुहार, भाजपा विधायक के भाई ने कब्जा कर रखा है मकान। बरेली के मेंटल हॉस्पिटल में अब टेली कंसल्टेशन, यूपी में है 3 मेंटल हॉस्पिटल, इलाज पाने को फोन कॉल पर भी मिलेगी हेल्प। रब ने बना दी जोड़ी, अब सरकार मदद करो थोड़ी, दिव्यांगों ने शादी कर बनाया घर, पूरे देश में वीडियो हुआ वायरल। आसमान से दंगाइयों की निगरानी करेगी यूपी पुलिस, सभी थानों को मिलेंगे ड्रोन, गोरखपुर से होगी शुरुआत। यूपी में लाल खून का काला कारोबार, ब्लड बैंक पर बार कोड ना एक्सपायरी डेट, ये ब्लड जीवन देने की जगह ले सकता है जान। कन्नौज से भेजे गए पानी की जांच के लिए सैंपल, फूड पॉइजनिंग से हुई थी 3 की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने लिया संज्ञान। कानपुर में एनआईए का डेरा, उदयपुर हत्याकांड में पकड़े गए 2 आतंकियों के कनेक्शन की जांच शुरू, कई ठिकानों पर तपिश। बहराइच में डाल टूटकर गिरी, दादी और पोते पर मौत, पाकड़ के पेड़ से पेड़ के नीचे बैठे थे वृद्ध और मासूम। हापुड़ में कलेक्शन एजेंट और गार्ड से लूट, 15,000 की नकदी और बंदूक लेकर फरार हुए लुटेरे। झांसी में कुएं के निर्माण में धांधली, अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से तय मानक से कम गहराई के खोदे गए कुएं। अलीगढ़ में बेटी से झगड़ कर महिला ने लगाई फांसी, कोतवाल के भोजपुरा का मामला, 13 साल पहले हुआ था निकाह। बांदा में ठोकिया गैंग के 13 सदस्यों को उम्र कैद, 15 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा। गोरखपुर डूबा तो सख्त हुए सीएम योगी, जीडीए और निगम अधिकारियों को दी हिदायत, बोले जल भरा हुआ तो खैर नहीं। कन्हैया केस को लेकर अयोध्या में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। जिला जेल और आश्रय सदनों का औचक निरीक्षण, मथुरा में जेल का जिला जज, डीएम, एसएसपी ने किया निरीक्षण। चित्रकूट एसपी से गैंगरेप की शिकायत, एक दिन पहले महिला से 3 युवकों ने दरिंदगी की, पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर। विहिप नेताओं और पुलिस अफसरों में झड़प, प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे, कहा वहां गर्दन रेत दी, हम प्रदर्शन भी ना करें। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स, कहा 80 में से 60 सीटों पर सपा लड़े। अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कसा तंज, विरासत में मिली चीज खोने का दुख नहीं होता।
50 साल के हुए अखिलेश यादव नाम बदल टीपू से अखिलेश बने। मुलायम लालू की बेटी से शादी करवाना चाहते थे लेकिन डिंपल से की। फिरोजाबाद में मुलायम के समधी हरिओम यादव ने सपा पर साधा निशाना, बोले शकुनी ने नष्ट कर दिया अखिलेश का भविष्य। जगन्नाथ यात्रा और जुमे की नमाज पर हाई अलर्ट, उदयपुर कांड के बाद कानपुर में बढ़ाई चौकसी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। जुमे पर अलीगढ़ अलर्ट, हिंदुवादी संगठनों पर भी नजर, जिले में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बरत रही सावधानी। सुल्तानपुर में पुलिस टीम पर हमला, महिलाओं ने घेर कर पीटा, वर्दी पकड़कर धक्का दिया, दौड़ा दौड़ा कर मारा डंडा, दरोगा समेत 3 घायल। बद्रीनाथ हाईवे सिरोह बगड़ में 30 घंटे से बंद, धार चूला में जान जोखिम में डालकर आवाजाही। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत, बारिश ने लगाया यात्रा पर ब्रेक। मार बच्ची से हैवानियत, बाइक सवार ने महिला और कार सवारों ने दोनों से किया दुष्कर्म, कार में लाए थे ये झंडा। मदद के लिए भटक रहे सीएम योगी के गुरु, पीएमओ तक पहुंचाई शिकायत फिर भी खाली है हाथ। लामबगड़ गोविंद घाट और पंडुकेश्वर में रोके गए 600 यात्री, बीआरओ ने संभाला मोर्चा। अल्मोड़ा में चार्ट बनवाने आई किशोरी से बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, फिर ताऊ ने इस तरह ब्लैकमेल कर बनाया हवस का शिकार। रैणी आपदा में मलबे में दफन हो गए थे सैकड़ों मजबूर, आज भी लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा 100-100 करोड़ रुपए में खरीदे विधायक। तीन महीने में बनाए अगले 3 साल का रोड मैप, नवंबर 2025 तक पूरी हो ऐसी योजनाएं बनाए सीएम धामी का निर्देश। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की आपत्तियों के बीच सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा विरोध ठीक नहीं। कांग्रेस में हार पर राज जारी, पूर्व सीएम हरीश रावत बोले मेरे ही सिर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना केसों की रफ्तार जारी, 44 मिले पॉजिटिव, देहरादून जिले में मिले सबसे ज्यादा केस। ऋषिकेश में सुअरों में फैली अज्ञात बीमारी, नगर निगम ने मीट की 10 दुकानें बंद कराई। मॉनसून के दस्तक के साथ बढ़ी दुश्वारियां, बद्रीनाथ हाईवे सहित 95 सड़कें बंद, भारी बारिश का अलर्ट। मॉनसून सीजन में आपदा की तैयारी, अफसरों के अवकाश पर 3 महीने तक रोक, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उदयपुर की घटना पर वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन, टर्किश वेबसाइट ने कहा कत्ल इस्लाम के खिलाफ, एनवाईटी ने लिखा भारत में धार्मिक अशांति।
कन्हैयालाल की नृशंस हत्या की यूएन ने भी की निंदा, दुनिया से शांति की अपील। पाकिस्तान में भीषण बिजली संकट, अब टेलीकॉम कंपनियों ने दी इंटरनेट बंद करने की धमकी। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में कराने की खबरों पर बौखलाया चीन, कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख को सही ठहराया। नाटो शिखर वार्ता के बाद रूस ने यूक्रेन पर बढ़ाए हमले, पूर्वी प्रांत के एक हिस्से में कब्जा करने की कोशिश में जुटे रूसी सैनिक। यूएस सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज केटेंजी ब्राउन्स ने ली शपथ, जिस जस्टिस की क्लर्क्स थी अब उसी की जगह बैठेगी। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा ओब्लास्ट में 9 मंजिला बिल्डिंग पर दागी मिसाइल, 10 की मौत, 7 घायल। पाक के गिलगित बल्तिस्तान पर चीन का कब्जा, कई इलाकों के बदले 19,000 करोड़ का कर्ज लेगा पीओके, भी चीन को सौंप सकता है पाक। पुतिन का बोरिस जॉनसन पर पलटवार, बोले मेरे मुकाबले ब्रिटिश पीएम को शर्टलेस देखना बड़ा मजाक होगा। सिकुड़ गई इटली की सबसे लंबी नदी, 70 साल में पहली बार नदी का बड़ा हिस्सा सूखा, सैटेलाइट इमेज आई सामने। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से 198 रुपए कम हो गए दाम। सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ाई, वहीं डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। सोना खरीदना होगा महंगा, 10 ग्राम सोने की कीमत 2,500 रुपए तक बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी, 7.5% से बढ़कर 12.5 हुई। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा नहीं, पीपीएफ और सुकन्या जैसी स्कीम पर नहीं मिलेगा ज्यादा ब्याज। रिलायंस ने रिटेल फूड बिजनेस में रखा कदम, ब्रिटेन की प्रेट ए मेंजर फूड चेन से मिलाया हाथ। आठ कोर उद्योग के इंडेक्स में 18.1% का इजाफा, बिजली सीमेंट कोयला और उर्वरक उद्योग चमके। औद्योगिक श्रमिकों की जेब पर महंगाई की मार, मई में 6.97% पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। आरबीआई ने जारी की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, कहा भारत की अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर। डॉगी कॉइन और शिबा इनू के एक्टिव एड्रेस में वृद्धि, मार्केट सुधारने का दिया इशारा। ब्लॉकचेन हार्मनी से चोरी में उत्तर कोरिया के शामिल होने का संदेह, हैकर ने 10 करोड़ डॉलर के कई क्रिप्टो कॉइन चुराए। पंद्रह साल बाद इंग्लैंड में सीरीज जीतने उतरेगा भारत, जसप्रीत बुमराह पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी।
महेंद्र सिंह धोनी चोट से परेशान, रांची के जंगलों में महज 40 रुपए में करा रहे इलाज। वनडे सीरीज से नए युग की शुरुआत करेंगी हरमनप्रीत की टीम, श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया। श्रीलंका को लगा तगड़ा झटका, एंजेलो मैथ्यूज बीच टेस्ट में हुए कोरोना पॉजिटिव। विंबलडन वर्ल्ड नंबर वन स्विटेक की लगातार 37वीं जीत, पहले ही राउंड में हारी सानिया मिर्जा। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जीता सिल्वर, नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक गेम्स के बाद मेजर इवेंट में दूसरा मेडल जीता। पहले टी20 में नहीं खेलेंगे विराट, बुमराह और पंत, कोरोना को मात देकर कप्तान रोहित शर्मा करेंगे वापसी। इंग्लैंड ऑलराउंडर सैम करन का दावा, ZK ऑलराउंडर सैम करन ने दावा किया रोहित शर्मा के न खेलने से भारत को बड़ा नुकसान, टेस्ट मैच में इंग्लैंड का पलड़ा भारी। IPL 2022 के स्टार जोस बटलर को मिला इनाम, इयोन मॉर्गन के बाद बने इंग्लैंड की टी20 और वनडे टीम के कप्तान। हॉकी इंडिया पर कोरोना का साया, स्ट्राइकर गुजरात और कोच ग्राहम रीड सहित 5 खिलाड़ी पॉजिटिव। कंगना रनौत ने की महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की तारीफ, एकनाथ शिंदे की तारीफ में कंगना ने कहा क्या इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी है। माही विज को जान का खतरा, कुक बोला खंजर से मार दूंगा, एक्ट्रेस ने कहा अपनी और परिवार की सेफ्टी के लिए डरी हुई हूं। विद्युत जामवाल ने शेयर किया कंस्ट्रक्शन साइट का वीडियो, फैंस के साथ बातचीत करते दिखे बॉलीवुड स्टार, मिलने के लिए खतरनाक स्टंट किया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अदालत से अपना पासपोर्ट वापस किए जाने की मांग की। थॉर के लोकी बनेंगे पिता, टॉम हिडलस्टन की मंगेतर जावे एस्टन हुई प्रेग्नेंट, जून में की कपल ने शादी। अंकिता बनी नई तुलसी, एक्ट्रेस ने दिखाई अपने नए घर की झलक, तुलसी वीरानी के अंदाज में की अंकिता लोखंडे। शाहरुख खान के साथ नजर आई लाफ्टर क्वीन भारती सिंह, एक शख्स और भी आया तस्वीरों में नजर। आर माधवन ने खुद को बताया लल्लू, फादरहुड पर किया कमेंट, बोले मैं वो पिता हूं जो सिर्फ तालियां बजाता है। जॉनी डेप का नया लुक वायरल, एक्टर को क्लीन शेव लुक में देखकर शॉक हुए फैंस, जीन ड्यू बैरी के कॉस्ट्यूम ट्रायल में पहुंचे थे स्टार। सोना महापात्रा का हिंदी भाषा डिबेट पर कमेंट, सिंगर बोली शर्म की बात है कि कई बॉलीवुड एक्टर्स को नहीं आती हिंदी। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस सरोकार।